तो मैं जानना चाहूंगा कि अहिर रेजिमेंट का निर्माण इतने सरकार के बाद क्यों नहीं हुआ, किसी ने हिम्मत क्यों नहीं दिखाई, क्या हम सत्ता से चिपके, क्या इसके लिए कौन दोषी है। जाधवों ने तो कुर्बानी देने में कोई कमी नहीं रखी, जीविका से जुड़ा हुआ है। अहिर रेजिमेंट यदि बनता तो हमारे युवाओं को सबसे ज्यादा नौकरी में भागीदारी। आपने अहिर रेजिमेंट को क्यों निर्णय नहीं लिया, आप तो थे केंद्र में सभी, बीपी मंडल जी मुख्यमंत्री थे, दरोगा राय जी मुख्यमंत्री थे, लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थे, तो ऐसा तो है नहीं कि आप मुख्यमंत्री नहीं रहे। आप जाधवों के गरीबी खत्म करने पर काम क्यों नहीं किया। देवेगौड़ा जी की सरकार बनी, गुजराल की सरकार बनी, मोरारजी भाई की सरकार बनी, बीपी सिंह की सरकार बनी, कांग्रेस के साथ भी हम लोग 10 साल रहे, सरकार बनी। इतने बड़े लेवल पर जब आप किंग मेकर कहते थे हमें, देवगौड़ा गुजराल को मैंने बनाया, मुलायम सिंह डिफेंस मिनिस्टर बने, तो मैं जानना चाहूंगा कि अहिर रेजिमेंट का निर्माण इतने सरकार के बाद क्यों नहीं बनी, किसी ने हिम्मत क्यों नहीं दिखाई, क्या हम सत्ता से चिपके रहे, क्या हमने जो हमारे जीविका से जुड़ा हुआ है। अहिर रेजिमेंट यदि बनता तो हमारे युवाओं को सबसे ज्यादा नौकरी में भागीदारी मिलती, हमारी अर्थव्यवस्था सुधरती। आपने अहिर रेजिमेंट को क्यों निर्णय नहीं लिया, आप तो थे केंद्र में सभी लोग। तीसरी बात हमने कही कि 1.6% ही हम छोटे नौकरियों में क्यों, बीपी मंडल जी मुख्यमंत्री थे, दरोगा राय जी मुख्यमंत्री थे, लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थे, तो ऐसा तो है नहीं कि आप मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो आप 1.6% ही 14% में मात्र इतने कम नौकरी आज तक क्यों, और वो भी फर्स्ट ग्रेड का नहीं, फर्स्ट क्लास का नहीं, सेकेंड और निचले तबके पर का है। सरकार क्या इसके लिए कौन दोषी है। एक, जाधवों ने तो कुर्बानी देने में कोई कमी नहीं रखी। तीसरी चीज मैंने कही कि हम 78% जाधव एक बीघा से नीचे वाले लोग हैं, और हम मुसहर और जाधव की गरीबी जो आया है सर्वे में एक जैसा है, जो मुसहर जितना गरीब है उतना ही जाधव गरीब है, ये क्यों हम जानना चाहते हैं। इस पर काम कभी क्यों नहीं किए, आप मुसहर पर काम क्यों नहीं किए, आप जाधवों के गरीबी खत्म करने पर काम क्यों नहीं किए। आपको नारा लग रहे थे, नहीं मैंने कहा, मैं बात क्या कर रहा था वो तो सुनिए।